नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, आज है पूनम, पुरुषोत्तम मास की पूनम, मतलब तमाम प्रकार के पापों को धो देने वाला दिन। आज के दिन एक छोटा सा काम आप जरूर करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। आप देखेंगे किस्मत आपकी चमकेगी। उपाय बताऊं उसके पहले आपको ये चीज जरूर बता दूं कि आज के दिन बिना भूले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएं, वहां जाकर के उन्हें पीले फूल अर्पित करें, पंचामृत आज भगवान को अर्पित करें, चाहे मंदिर में करें चाहे घर में करें। भगवान के आगे पंजीरी का प्रसाद चढ़ाएं, सूजी का हलवा चढ़ाएं और घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जाप करें। आज के दिन भगवान की कथा जरूर पढ़े और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों दान करें। पूनम के दिन किया जाने वाला दान आपके घर में सुख और संपत्ति लेकर के आता है। दोस्तों, मैं हमेशा बताती हूँ, आप देखना कितनी ही महिलाएं हैं जिनके पांव की एड़ी फटी हुई होती है, चीरे पड़ जाते हैं। ऐसी महिलाएं अधम मेहनत करती होती हैं। आप कभी भी आज आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, आज के बाद आप नोटिस करना, उन महिलाओं को देखना जो अधम मेहनत कर रही। बचपन से ही उन्होंने लगभग 7-8 साल की उम्र से ही उन्होंने मेहनत की होती है और जबर मेहनत करते हैं। पूरी जिंदगी ऐसी महिलाएं मेहनत करती हैं। आप देखो कई ऐसी महिलाएं जो दूसरों के घरों में जाती हैं, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा मारना, उन महिलाओं की पैर की एड़ी देखना फटी हुई होगी। चरित्रहीन महिलाएं जो है उनके पैर की एड़ी देखना आप फटी हुई होगी। और ये वो चीज है जो गरीबी लेकर के आती है, भयंकर गरीबी। हाथ की कोहनी ये अगर फट जाए तो ये भी आपके लिए बहुत बुरा संदेश लेकर के आती है। ये दोनों ही जगह बताती है कि आपका चरित्र कैसा है और आपका भविष्य क्या होगा। तो आज पूनम का दिन है, थोड़ी सी हल्दी ले, हल्दी में थोड़ा घी डालें और इसको आप शरीर के इन दोनों हिस्सों में अच्छे से धीरे 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 आप इसको रगड़ें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपको पिछली जिंदगी या पिछले जन्म में जो भी आपने बुरे कर्म किए होंगे उससे आपको मुक्ति दिलाएगा, आपके मन को सही दिशा में आगे बढ़ाएगा, आपका मन अच्छी चीजों में लगाएगा और आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। आप देखो जो स्त्रियां हैं वो देवी का स्वरूप होती है, घर उसी तरीके से पनपता है जैसा उस घर में स्त्री होती है। यदि स्त्री गलत विचारों की है, चरित्रहीन है, तो परिवार का कभी उत्थान नहीं होता, क्योंकि उसी के हाथ का भोजन परिवार के दूसरे लोग खाते हैं। और जिस व्यक्ति के हाथ का भोजन करते हैं उसके चरित्र का, उसके विचारों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो स्पेशली वो महिलाएं जिनके इन दोनों हिस्सों में दराजे हैं, तकलीफ है, कई लोगों को तो मैंने देखा है खून टपकने लग जाता है, उस पर हमेशा ही घी और तेल की मालिश करते रहे, हल्का सा हल्दी। आपके गुरु मजबूत बनेंगे, जब आपके गुरु मजबूत बनेंगे तो आपके विचार अच्छे आएंगे, जब विचार अच्छे आएंगे तो राहु अपने आप दबा रहेगा। आदमी कुश संगत में तब चढ़ता है जब उसके राहु खराब होते हैं, चरित्रहीन तब होता है जब उसके राहु खराब होते हैं, गंदे विचारों से भरपूर होता है और गुरु इन तमाम चीजों को हटा देते हैं। तो आज पूनम का दिन है, गुरु को मजबूत बनाने की ये वाली क्रिया आप जरूर। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे। जय श्री कृष्ण।